ये क्या तरीका है, तुम इधर क्या कर रही हो? शादी से छोड़कर भाग गई यू नॉटी गर्ल। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस हीरे को टुकरा रही हूँ। पूरा खानदान ही अजीब सा है। कौन सर्दी चलेगी तुम्हारी? इसका दूल्हा कल दो गुंडों के साथ आया था। ये बात तो है, साथ तो तुमने भरपूर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अब मेरा दिल चाहता है आयशा आंटी हमारे साथ हमेशा रहे। एक नंबर की ड्यूटी है, पर क्यूट है। पहली बार तुम्हारी बात सच्चा में। शराफत से बता दे मेरी होने वाली बीवी कहाँ है। सही, इसको क्या पता आपकी होने वाली बीवी कौन है। सही बात है, ये कौन सा उस शादी में था जहाँ पर आपकी रचकर बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती मतलब? इसके कहने का मतलब है बीवी भाग जाए शादी से तो कोई मेडल थोड़ी मिलेगा, इज्जत ही तो खराब होती है। सही बकायदा आपको जलील करके गई हो। सुल्फी की बच्ची, ये क्या तरीका है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भली करे आया साईं, ये तो मेरी लान होनी चाहिए। ये क्या तरीका है, तुम इधर क्या कर रही हो? शादी से छोड़कर भाग गई यू नॉटी गर्ल। सही बकायदा आपको जलील करके गई हो। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। साईं आपको याद नहीं दिलाएंगे तो गुस्सा कैसे आएगा? हाँ यही तो फिर है। पता कौन था जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा? मैं उसकी बोटी बोटी करके बारबेक्यू कर दूंगा। मालिक है इस फार्म हाउस का, बड़ा ही कोई गंदा बंदा है, बल्ला का बिगड़ा हुआ। हमारे साई से भी ज्यादा गंदा है। तोला साई, इसका मतलब है कि हमारे साई से भी ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ हो सकता है। इसकी ऐसी की तैसी। पिस्तल दे, गोलियां तो बराबर भरी है ना, उसके सीने में गोली उतारू। साई बुरी क्या, इसमें तो एक भी गोली नहीं है। गोली क्यों नहीं है? साई आपने कहा था कि पिस्तल उठा लो, गोलियों का तो बोला ही नहीं था। अरे वाह, मैं बोलूंगा नहीं तो उठाएगा नहीं, खुद ही उठा लेते। सही, आपको तो पता है हम आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं उठाते। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटता हूँ, अभी जरा मैं उसको मार के आता। अरे कहाँ जा रहे हो, वो भी बगैर गोलियों वाली बंदूक के? उसके पास 12 किस्म की बंदूकें हैं, खचाखच गोलियों से भरी हुई। और देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा, शादी से छोड़कर भाग गई? पागल थी, जाहिल थी, अंधी थी, बेवकूफ थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस हीरे को टुकरा रही हूँ। साईं अब कंफर्म कर लें, आपको इसने हीरा ही कहा है ना? अगर गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे साथ चलो। नहीं बे, मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा सारा सामान उसके पास है। कौन सा सामान? मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, सब कुछ। ये सब छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो फिर कैसे आओगी? मैंने सारा प्लान सेट कर लिया है यहाँ से निकलने का। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं? इस गार्ड से पूछ लो, इसकी हेल्प से ही मैं यहाँ से निकलकर भागने वाली हूँ। पर सही, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। तुमने इसके मुंह पे कपड़ा जो बांध दिया था तो कहाँ से बताएगा तुमको? सही माफी, माफी, हमें पता ही नहीं था आप हमारी अपनी टीम के आदमी हो। आप जा सकते हो, जाओ। भागी गया। अब देखो तुम जाओ हाँ यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करूंगी एक दो दिन में, फिर तुम यहाँ आके मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना। पक्का? पानी, अब जाओ हाँ यहाँ से। वो जो गार्ड था ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा अंदर आने में। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, भूल मत जाना। नहीं गधे, मेरा मतलब है मैं अपने होने वाले शोहर को कैसे भूल सकती हूँ। वाह रे वाह, आओ चलो जाओ। तुम्हें ये सब कुछ पता था फिर भी? वो दरअसल हमजा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या बेवकूफी की है और इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? इसे मत डांटे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तुम तो चुप रहो, तुमसे ज्यादा झूठी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हमजा आप परेशान ना हो, इसकी सिचुएशन की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। Are you serious? इसका दूल्हा कल दो गुंडों के साथ आया था, आज 10 गुंडों के साथ आएगा। वो कोई दूल्हा नहीं है मेरा। I'm so sorry. आपका होने वाला दूल्हा, is that okay ना? Better. क्या चीज़ है वो? पूरा खानदान ही अजीब सा है। खानदान पर क्यों जा रहे हैं आप? क्यों नहीं जाऊं मैं तुम्हारे खानदान पे? तुम्हारे खानदान की वजह से मैं इस मुश्किल में फंसा हूं। चाहे वो गुंडे लेकर आए या पुलिस, ये मेरा मसला होगा, मेरी मुश्किल होगी। मैं किसी फिल्म का हीरो नहीं हूं जो उनको मारूंगा, या कोई विलन के गुंडों से पिट जाऊंगा। हमजा प्लीज, आप जस्ट रिलैक्स, प्लीज पैनिक ना करें आप। प्लीज, इससे पहले कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो, इसको आप यहां से ले जाएं। हमेशा रहने के लिए नहीं आई हूं, दो तीन दिन में चली जाऊंगी।
आज जाएंगी, बल्कि इसी वक्त जाएंगी। फैसला हो गया है। ऐसे कैसे फैसला हो गया? मेरी भी तो कोई मर्जी है। जी नहीं, ये मेरा घर है, यहां पर मेरी मर्जी चलेगी। हो गया फैसला। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं इस वक्त। अरे जाओ जाके देखो यार, कहीं डिप्रेशन में खुदकुशी ना कर ले। यार सीरियसली, तुम तो चुप हो जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? देखा नहीं कैसे धौंस चला रहे थे? ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? अपना घर है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं रहूंगी। ये रहा तुम्हारा बैग, अब तुम यहां से जा सकती हो। अरे आप तो बदतमीजी पर उतर आए हैं। तुम इसे बदतमीजी समझो या कुछ भी, तुम्हें जाना होगा। और अगर मैं ना जाना चाहूं तो? तो फिर मैं तुम्हें यहां से जबरदस्ती निकालूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। हाथ छोड़े, हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा। क्या बदतमीजी, हाथ छोड़ो। तुम चुप करो, कोई सर्दी चलेगी तुम्हारी। हमजा साहब, बाबा की सुन लेना। तुम चुप करो। कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा मेरे से चीजें ले लेते हैं। जो भी मुझे चाहिए होता आप ले लेते मेरे से। माँ की भी सारी चीजें घर से निकाल दी थी, आज आयशा आंटी को भी घर से निकाल रहे हैं। बात देखें, मैं खाली हाथ रह गया हूँ। प्लीज बाबा, प्लीज नहीं जाने दें इनको। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आयशा बहुत तारीफ कर रही थी आपकी, बहुत जज्बाती लड़की है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उसका साथ दिया। जी जी, जितने दिन चाहे रह सकती हूँ, बस अपना ही घर समझिए। कोशिश ये कीजिएगा कि जुल्फी कोई बदतमीजी ना करे यहाँ पर। आप, मैं नहीं चाहता कोई मुश्किल पैदा हो आप। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आऊंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। हैरत है, पहली बार तुम्हारी बात सच साबित। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ। ओह माय गॉड, कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए। नहीं नहीं यार, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आप लिए नहीं, मेरे लिए। पॉइंट। तुम्हें किस बात का इनाम चाहिए? आपके साथ देने पर। अगर मैं उधर नहीं होता ना, आप इधर नहीं होती। ये बात तो है, साथ तो तुमने भरपूर दिया। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मजाक कर रहा था। मैं मजाक नहीं करी। एक काम करते हैं, कुछ खाने को मंगवाते हैं। क्या मंगवाएं? आइसक्रीम मंगवाएं? आइसक्रीम इधर आते आते एक मिल्कशेक बन जाएगा। हाँ यार, अगर खाने के लिए कुछ मंगवाने, केक मंगवाए थे। आज बाबा की बर्थडे, तो वो अगर उनसे केक कटवा लेंगे उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ओके, डन है। ये ले, एक और हेल्प कर दी। So smart. बहुत तेजी। आप के बाद अगर मुझे कोई अच्छी लगी तो वो आयशा आंटी हैं। अरे नहीं नहीं, आप जैसे बात किसी में नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी हैं। अब मेरा दिल चाहता है आयशा आंटी हमारे साथ हमेशा रहे। एक नंबर की ड्यूटी है, पर क्यूट है। मेरे साथ बातें करें, खेलें, ख्याल रखे मेरा जैसे आप रखती थी। Please wait, just a little bit. वो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्विमिंग पूल में Happy birthday, dear Hamza. Happy birthday.